अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई नाइन्थ क्लास के जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज। अल्लाह करे आप तमाम बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है और भाई आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं, तमाम बच्चों की अच्छी पोजीशनें आ जाएं अपने अपने स्कूलों में। तो सबसे पहले नेक दुआएं आप लोगों के लिए, कमेंट्स में आमीन लाजमी तौर पर लिख दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि बाकी बच्चों तक भी वीडियोस पहुंचते रहें। अब रिजल्ट की फाइनल डेट क्या है और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, परसेंटेज के हवाले से फाइनल हो चुका है, आपको जो है वो गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो भाई पहले बात कर लेते हैं कि कब आप लोगों का रिजल्ट आने जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले जो डेट्स दी गई थी वो थी अगस्त में छुट्टियों के बाद, 22 या 20 अगस्त तक डेट दी गई थी। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई हमें हर जगह अगर हम गूगल करते हैं तो हमें कई वेबसाइट्स पे ये डेट्स दिख रही हैं। तो भाई ये टोटली जो है वो पहले डेट्स थी ये वाली, लेकिन अब डेट्स चेंज हो गई हैं क्योंकि मैट्रिक 10th क्लास का रिजल्ट पहले आया है। अब क्या फाइनल डेट्स हैं, नो फाइनल डेट है या ये भी चेंज हो गई है? तो आपको मैं फाइनल करता चलूँ, 9th क्लास का रिजल्ट पूरे पंजाब के लिए, सिर्फ फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, इसके अलावा तकरीबन गुजरांवाला का बोर्ड है, ठीक है, बहावलपुर का बोर्ड है, मुल्तान का बोर्ड है, तकरीबन 8 से 9 बोर्ड है। यहाँ पर आपका 9th क्लास का रिजल्ट 9 अगस्त वाले दिन आने जा रहा है सुबह 10:10 पर। तो आपके लिए ये फाइनल है। तो भाई आपने अपनी तैयारी रखनी है, नमाज वगैरह पढ़ना स्टार्ट करें, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह आपके लाजमी तौर पर मदद करेगा। परसेंटेज के हवाले से काफ़ी परेशानी है कि भाई रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, क्या रिजल्ट कार्ड पे सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम होगा या क्या सिस्टम होगा? तो भी रिजल्ट कार्ड पे वही जो आपके पिछला सिस्टम चल रहा है, ग्रेड भी होंगे, साथ आपके नंबर्स जो हैं वो भी मेंशन किए जाएंगे, और इसके साथ आप लोगों के लिए परसेंटेज जो है वो फाइनल फ़िलहाल इस साल के लिए 33% ही है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर इंग्लिश के 75 में से आपके 25 मार्क्स आते हैं तो आप पास हैं। अगर आपके परसेंटेज 40 हो जाती तो आप लोगों को 30 नंबर लेने पड़ने थे, तो काफ़ी बच्चों के लिए परेशानी भी हो सकती थी, लेकिन भाई अब आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो गया ये, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत हेल्प आउट होगी इससे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आ जाएँ तो भाई प्लीज़ लाजमी अल्लाह ताला से दुआ करें, और इंशाल्लाह आप लोग नमाज वगैरह पढ़ेंगे, दुआई करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी आपने मेहनत कर रखी होगी, लेकिन ये चीज़ें साथ साथ लाजमी ज़रूरी हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए रिजल्ट वाले दिन जो है वो लाइव आकर बता दिया जाए या कुछ ऐसा सिस्टम बना दें। या बाकी अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और आपका बोर्ड कौन सा है नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइएगा।